सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू दिस वीडियो। सो दिल्ली यूनिवर्सिटी यूजी एडमिशन 2024 का न्यू प्रेस रिलीज किया गया है रिलेटेड टू मिड एंट्री एंड जो आपका राउंड थ्री होने वाला है और साथ साथ आपका जो सुपर न्यूमरी कोटाज है उनकी डेट अनाउंस की गई है और सारा जो प्रोसेस है वो किस तरीके से रहने वाला है उसको बहुत अच्छी तरीके से अनाउंस यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन किया गया है। इस वीडियो में हम चेकआउट करने वाले आपकी जो मिड एंट्री की डेट है, सुपर न्यूमरी कोटाज की जो डेट्स है और साथ साथ जो आपका राउंड थ्री होने वाला है, जो वैकेंट सीट्स हैं वहाँ पर जो फुल प्रोसेस है वो किस तरीके से रहेगा और उसकी जो इंपॉर्टेंट डेट्स है वो कैसे कैसे आपकी रहने वाली है। देखो यहाँ पर आपका आ जाता है CSAS 2024-25 के लिए। सबसे पहला जो हमारे यहाँ पर टास्क आता है वो आपका आ जाता है अपग्रेडेड एलोकेशन। अपग्रेडेड एलोकेशन का मतलब है जैसे राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में जिन कैंडिडेट्स को सीट एलोकेट हुई थी और वहाँ पर उन्होंने अपग्रेड का जो ऑप्शन है उसको चूज किया था, तो वहाँ पर सबसे पहले उनको अपग्रेड विंडो दी जाएगी। मीन्स अगर उनको नेक्स्ट राउंड में अगर कोई सीट एलोकेट हो रही है, अपग्रेडेड जो सीट है उनको एलोकेट मतलब उसकी कट ऑफ वो क्लियर कर रहे हैं, तो वो वाली सीट उनको एलोकेट की जाएगी फ्रॉम 31 अगस्त to 1 सितंबर। और टाइम आप देख सकते हैं 31 अगस्त 5 बजे से लेके जो 1 सितंबर 5 बजे तक आपको ये जो सीट एलोकेशन है ये किया जाएगा फॉर अपग्रेडेड विंडो। अब जो सबसे मेन जो चीज आ जाती है आपकी वो आपका आ जाता है राउंड फर्स्ट ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम। मींस आपको जो सुपर न्यूमरीज कोटाज है CEA स्पोर्ट्स और वार्ड कोटा, इनकी जो लिस्ट है वो आपको क्या की जाएगी 3 सितंबर शाम को 5 बजे रिलीज की जाएगी। मींस कॉमन मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी जहां पर आपको साथ साथ सीट एलोकेट की जाएगी। अगर आप किसी जो भी कॉलेज है उसकी कट ऑफ को क्लियर कर रहे होंगे, अगर आप इन सब कोटा के लिए आपने अप्लाई किया है, आपकी जो CUT स्कोर है, आपके जो सर्टिफिकेट्स है और आपके जो ट्रायल्स के मार्क्स है उनको कंबाइन करके न्यू कट ऑफ बनाई जाएगी और आप जिस भी कॉलेज की कट ऑफ क्लियर कर रहे होंगे, जो भी आपने अपनी प्रीफ्रेंस शीट में ऐड किए हैं वो सब आपको क्या किए जाएंगे, उनमें से जो भी सीट्स आप मतलब कि उनकी कट ऑफ क्लियर करोगे वो आपको एलोकेट की जाएंगी। साथ साथ आपका डिक्लेरेशन ऑफ अपग्रेडेड एलोकेशन मींस जो भी आपका राउंड फर्स्ट राउंड सेकंड जो जनरल राउंड थे वहां पर आपको अगर कोई सीट एलोकेट हुई थी और आपने अपग्रेड की हुई थी तो वो भी आपको क्या की जाएगी यहां पर एलोकेट की जाएगी। फिर आपको यहां पर 3 सितंबर से लेके 4 सितंबर 5 बजे तक आपको जो अपनी सीट है वो एक्सेप्ट करनी होगी। अब यहाँ पर देखो अगर जो आपकी राउंड में जो जनरल राउंड में अगर आपको सीट मिली हुई है आप उसके साथ जाना चाहते हो तो आप इस वाली सीट को एक्सेप्ट मत करना, और अगर आप ये वाली सीट मतलब जो आपकी ये सुपर न्यूमरी कोटा वाली सीट्स है इनके साथ जाना चाहते हो, जनरल वाली सीट कैंसिल करना चाहते हो, तभी आप इसको क्या करना एक्सेप्ट करना। एक्सेप्ट करने के बाद आपका दो दिन का टाइम लगेगा कॉलेज को वेरीफाई करने के लिए। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब कुछ ये वेरिफिकेशन होता है, वहाँ पर आप ध्यान रखना क्वेरीज आपसे अगर कोई रेस्पॉन्ड की जाती है, क्वेरीज रेज की जाती है तो आप उसको क्या करना टाइम से रेस्पॉन्ड कर देना। फिर यहाँ पर आपको क्या 6 सितंबर को आपको शाम को 5 बजे तक आपको क्या होगा फी पेमेंट करनी होगी और आपका एडमिशन तभी कन्फर्म माना जाएगा, तब आपकी जो फी पेमेंट है वो कन्फर्म हो जाएगी। फिर आपका न्यू प्रोसेस है मिड एंट्री का वो स्टार्ट कर दिया जाएगा फ्रॉम 7 सितंबर। 7 सितंबर आपका वो आपको जो वैकेंट सीट्स है दिल्ली यूनिवर्सिटी में जितनी भी कोर्सेज कॉलेज और जो भी प्रोग्राम्स है सब पर जो भी वैकेंट सीट्स हैं उनको जो पूरी PDF आपको शो कराई जाएगी, जितनी भी कॉलेज में कोर्सेज में जहाँ जहाँ जो वैकेंट सीट्स हैं वो आप चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आप क्या कर सकते हो अप्लाई कर सकते हो फॉर मिड एंट्री। अब कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, क्या क्या इसमें कर सकते हो, वो हम वीडियो के एंड में सब कुछ चेकआउट करने वाले हैं। इसकी जो आपकी टाइमिंग मतलब कि डेट रहेगी वो 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक रहेगी शाम के 5 बजे तक, इसके बीच में आप मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हो। फिर उसके बाद आपका आएगा 3rd एलोकेशन ऑफ राउंड, बेसिकली मतलब जो राउंड सेकंड होगा किसका, आपका सुपर न्यूमरी कोटा का। तो अगर आपको फर्स्ट राउंड ऑफ सुपर न्यूमरी कोटा में अगर कोई सीट एलोकेट हो गई तो वहां पर आप अपग्रेड करके सेकंड राउंड में भी मतलब क्या कर सकते हो पार्ट ले सकते हो अगर आपको फर्स्ट राउंड में एलोकेट हो गई होगी तो। और अगर आपको फर्स्ट में नहीं एलोकेट हुई होगी तो हो सकता है आपको जो सेकंड राउंड होगा आपका परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोग्राम में उसमें वहां पर आपको सेकेंडरी सीट जो है वो एलोकेट कर दी जाएगी। ये आपका होगा 11 सितंबर और आपको 13 सितंबर तक जो आपकी सीट है उसको एक्सेप्ट करना होगा और लास्ट डेट आपकी जो फी पेमेंट की होगी वो आपकी 15 सितंबर होगी। बाकी मिड एंट्री और मतलब किस तरीके से सारी चीज होती है उसकी मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, वो भी आप चेकआउट कर सकते हैं। अब यहां पर जो नया चीज आती है, नया जो अपडेट आता है वाते रिलेटेड टू अपग्रेड विंडो, यहाँ पर आ जाते हैं अपग्रेड विंडो ऑल द एडमिटेड कैंडिडेट्स। एडमिटेड कैंडिडेट्स का मतलब है जिनका एडमिशन कंफर्म हो चुका है, मींस जिन्होंने अब तक फीस पे कर चुकी है उन्हीं कैंडिडेट्स को बोला जाता है एडमिटेड कैंडिडेट्स। ऑफ राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड विल बी ऑप्ट फॉर मतलब जिन बच्चों को कैंडिडेट्स को राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में सीट मिल गई थी और उन्होंने फी पे करने के बाद अपग्रेडेशन ऑप्शन चूज किया था उनको क्या किया जाएगा अपग्रेड किया जाएगा टू, और साथ साथ वो क्या कर पाएंगे अपना जो प्रोग्राम है और जो कॉलेज कॉम्बिनेशन है उसको क्या कर पाएंगे रीऑर्डर कर पाएंगे, मतलब उसको क्या कर पाएंगे रीशफल कर पाएंगे। द एलोकेशन ऑफ द कैंडिडेट्स विल हु विल रिसीव एन अपग्रेडेड सीट विल बी ऑलरेडी एक्टिवेटेड, मींस जो आपको अपग्रेड होके सीट मिलेगी वो ऑलरेडी आपकी उस पर डॉक्यूमेंट सब कुछ वेरीफाई होंगे और वही आपकी क्या होगी फाइनल सीट होगी। आप मतलब वापस जो अपनी नॉर्मल जो पुराने राउंड वाली सीट थी जनरल राउंड वाली उस पर वापस नहीं जा सकते। एडमिशन टू अपग्रेडेड सीट विल बी कंसिडर कंप्लीटली आफ्टर द
एडमिशन फीस, मतलब जब आपकी जो फीस है जो आपने पहले अगर पे कर दी थी जब वो एडजस्ट हो जाएगी, अगर एक्स्ट्रा देनी होगी आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी होगी, और अगर आपकी फी कम होगी तो आपको वो रिफंड हो जाएगी। तब ये जब सब कुछ एडजस्ट हो जाएगा तभी आपका जो एडमिशन है वो कन्फर्म माना जाएगा। अब यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ जाती है वो आपकी आ जाती है मिड एंट्री। काफ़ी कैंडिडेट्स को इसी का इंतजार था, और यहाँ पर इस बार नई नई चीज़ें भी यहाँ पर काफ़ी चीज़ बताई गई हैं। सबसे पहले हम डेट देख लेते हैं, तो शाम के 5 बजे मतलब कि 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर शाम के 5 बजे तक आप इसका जो फॉर्म है वो फिल कर सकते हो, और यहाँ पर आपकी 1000 फीस रहेगी जो कि नॉन रिफंडेबल रहेगी, और इसको आप तभी फिल करना जब आपके मतलब अच्छे खासे मार्क्स हो, और वैकेंट सीट्स आप एक बार चेकआउट कर लेना। जैसी वैकेंट सीट्स का मतलब कि जो चार्ट आएगा उसके हिसाब से भी मैं आपको बताऊंगा किन कैंडिडेट्स को अप्लाई करना चाहिए और कहां कहां पर सारी चीज़ें आप मतलब कौन से कोर्स में आप अपना जो एडमिशन है वो कन्फर्म कर सकते हो। अब यहाँ पर देखो कौन कौन अप्लाई कर सकता है। सबसे पहले हु गॉट रिजेक्टेड इन राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकंड, मतलब जो राउंड फर्स्ट और राउंड सेकंड में सब्जेक्ट मैपिंग नॉन फुलफिलमेंट और प्रोग्राम स्पेसिफिक एलिजिबिलिटी, इन सब कारणों की वजह से क्या हो गए थे आप, क्या हो गए थे रिजेक्ट हो गए थे, तो वो सब क्या कर सकते हैं मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। वहां पर अपनी जो सब्जेक्ट मैपिंग है उसको अपना ठीक कर सकते हैं, साथ साथ अपनी जो प्रिफरेंस है उसको भी वहां पर बना सकते हैं थ्रू द प्रोविजन ऑफ मिड एंट्री। मिड एंट्री के थ्रू वो सब कुछ आप कर सकते हो। कैंडिडेट्स हु आर नॉट एडमिटेड टू एनी प्रोग्राम ऑन द डिक्लेरेशन ऑफ मिड एंट्री, मतलब जब तक मिड एंट्री का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता बेसिकली आपका 7 सितंबर तक, उससे पहले तक अगर आप किसी भी प्रोग्राम में एडमिट नहीं होते तब भी आप क्या कर सकते हो मिड एंट्री में क्या कर सकते हो उसका पार्ट बन सकते हो। 7 सितंबर से लेकर 9 सितंबर तक आपके इसके जो फॉर्म है वो फिल किए जाएंगे। The candidates desirous फॉर बींग कंसिडर्ड इन थर्ड राउंड आर एडवाइज टू चेक द वैकेंट सीट मैट्रिक्स, मीन्स जो थर्ड राउंड में जो जनरल आपका थर्ड राउंड होगा उसमें जाना चाहते हैं तो सबसे पहले वो जो सीट का मैट्रिक्स है उसको चेक कर ले एंड मेक देयर प्रिफरेंस केयरफुली, और अपनी प्रिफरेंस जो है उसको अच्छे से बना ले। द प्रिफरेंस इज सबमिटेड एट द क्लोजर ऑफ मिड एंट्री, मतलब मिड एंट्री जब जैसी 9 सितंबर को क्लोज हो जाएगी तो जो आप अपनी प्रिफरेंस लिस्ट बनाओगे वही आपकी कन्फर्म मानी जाएगी, और 9 सितंबर 2024 विल बी कंसिडर फॉर सब्सिक्वेंट राउंड, और आगे जो भी सीट आपकी वैकेंट रहेगी मिड एंट्री के थ्रू आपने जो भी अप्लाई किया है राउंड 3 बेसिकली उसको बोला जाएगा, इस पर वहां पर आपको जो भी आपने प्रिफरेंस शीट बनाई होगी उसी के हिसाब से आपको क्या दिया जाएगा एडमिशन दिया जाएगा। थर्ड राउंड एलोकेशन, फिर आपका स्टार्ट होगा थर्ड राउंड एलोकेशन। ये कब स्टार्ट होगा, थर्ड राउंड विल बी बेस्ड ऑन द डाटा ऑन द कैंडिडेट्स अवेलेबल, तो आपको 9 सितंबर तक मिड एंट्री में आप सारे फॉर्म फिल कर दोगे तो जो भी आपके साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास जो भी डाटा कलेक्ट होगा कैंडिडेट्स का किस कोर्स के लिए किस कॉलेज के लिए कितने कितने कैंडिडेट्स ने क्या किया अप्लाई किया हुआ है और कितनी हमारे पास वैकेंट सीट्स है उसके हिसाब से आपकी जो राउंड थर्ड है वो निकाला जाएगा, जो कट ऑफ्स है जो रैंक्स है और जो थर्ड राउंड के वो उस हिसाब से निकाली जाएंगे। विल नो हैव रिलेशनशिप बिटवीन दोज अर्लियर राउंड्स, मींस जो पहले जो राउंड हो चुके हैं जो सीट्स फुल हो चुकी है अब उनको काउंट नहीं किया जाएगा, जो सीट्स रह गई हैं जो सीट्स वैकेंट्स हैं उनके हिसाब से रैंक निकाली जाएगी और उनके हिसाब से आपकी कट ऑफ निकाली जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी कोर्स में फॉर एग्जाम्पल 500 सीट्स थी और वहाँ पर 400 क्या है पहले सी सीट्स फुल हो चुकी है तो अब जो 100 सीट्स बची है उनके हिसाब से कट ऑफ निकाली जाएगी और उनके हिसाब से आपकी रैंक निकाली जाएगी। नो ग्रीवेंसेज इन दिस रिगार्ड विल बी एंटरटेन, ऑल द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू चेक द एडमिशन वेबसाइट, तो मतलब कि इस यहाँ पर आप अगर लेट हो जाते हो या कोई भी आपको सीट वैकेंट है और वहाँ पर आप अप्लाई करते हो और आपका एडमिशन नहीं होता है किसी और का एडमिशन हो जाता है, वैसे तो सब चीज़ ट्रांसपेरेंट ही होगी बट यहाँ पर आप कुछ भी ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकते। बाकी और ज़्यादा के लिए आप admission.uod.ac पर मतलब क्या कर सकते हो मतलब चेकआउट सारी चीजें कर सकते हो। बाकी वैसे ये जो ये वाला जो नोटिफिकेशन है ये ऑफिशियल वेबसाइट पर आने से पहले काफी जगह पर टेलीग्राम ग्रुप्स में सर्कुलेट हो गया था। मैंने वैसे एक सेपरेट वीडियो भी बनाई थी कि ये जो आपका नोटिफिकेशन ये फेक है। वैसे तो देखो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई आपका प्रेस रिलीज नहीं आ जाता चाहे वो ओरिजिनल हो चाहे वो कैसा भी हो उसको आपको फेक ही मान के चलना है जब तक ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहाँ पर कोई चीज़ नहीं आ जाए, क्योंकि देखो कुछ भी हो सकता है ऐसा ज़रूरी नहीं है। वैसे तो ये जो आपका जो मतलब रिलीज़ किया गया था नेट टेलीग्राम्स ग्रुप्स पे घूम रहा था वो यही था, बट फिर भी आपका जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन ऑफिशियल वेबसाइट पर चीज़ें ना आ जाए तो आप अब उन चीज़ों पर यकीन मत किया करो। ठीक है जी, ये सब कुछ आपका जाता है रिलेटेड टू आपका मिड एंट्री की डेट्स और आपका कौन कौन इसके लिए अप्लाई कर सकता है। जो भी कैंडिडेट्स को लगता है कि मैं इन सब कैटेगरी में आता हूँ तो वो सब मिड एंट्री में अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आपका कोई डाउट आता है तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बाकी इंस्टाग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो, काफी हेल्पफुल कंटेंट मैंने आपके लिए वहां पर भी पहले से अपलोड कर रखा है। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, काफी वीडियोस मिड एंट्री कैसे फॉर्म फिल करना है सब कुछ करना है वो सब कुछ आपको वीडियोस टाइम टू टाइम आपके चैनल पर आती रहेंगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन करके रख लेना, और दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो ग्रुप है इंस्टाग्राम पर वो जरूर ज्वाइन कर लेना। इंस्टाग्राम पर जैसे आप फॉलो करोगे तो वहाँ पर आपको हाईलाइट्स में लिंक मिल जाएगा, वो जैसे वो आप क्या कर सकते हो उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सब कुछ आपका जाता है न्यू प्रेस रिलीज जहाँ पर दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपना जो राउंड 3 है और जो सुपर न्यूमरी कोटा है उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको बता दी है। सो होप करता हूँ सारी चीज़ें अच्छे से आपको समझ में आ गई होगी, वीडियो हेल्पफुल लगे इसको लाइक जरूर कर देना एंड यस चाहते वक्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।